सो वेलकम बैक गाइस। आज का न्यू वीडियो एकदम स्पेशल, क्योंकि मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्री फायर के ऐसे टॉप 5 रेयरेस्ट आइटम जो आप लोग के आंखों के सामने रेयर हो गया है ना, आप लोग को पता भी नहीं चला। जी हाँ गाइस, आप लोग के आंखों के सामने रेयर हो गया है ना, आप लोग देखते रह गए। एंड ये सारे आइटम्स हमारे फ्री फायर गेम में सिर्फ एक ही बार आए हैं। एंड मैं आज रेडियो एमपी रेड जैकेट के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये आइटम्स तो सीजन 1 एंड सीजन 2 में आया था। एंड उस टाइम हमारे फ्री फायर के यूजर्स बहुत ही कम थे, तो ये सब आइटम्स रेयर तो होंगे ही। पर जो आइटम्स मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ ना, वो उतना पुराना तो नहीं है, पर हाँ आप लोग उसको रेयर बोल सकते हो। बाकी ये सब चीजें मैंने पहले ही निकाल दिया था, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता रहता है यार कि कौन सा आइटम बाद में जाके रेयर होगा। सो गाइस वीडियो को इन तक जरूर देख लेना, ताकि आप लोग को भी पता चले कि ऐसा कौन सा आइटम है जो आप लोग के आंखों के सामने रेयर हो गया। और उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रेयरेस्ट आइटम नंबर 5। सो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक हाथी जैसे बंडल के बारे में। सो गाइस दिखने में तो ये हाथी की तरह है, पर है असल में सार की बंडल। ये देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारे फ्री फायर के मैनेजर बीच में छुट्टियां मनाने गए होंगे, उसी टाइम उन्होंने ये सब बच्चों को पहनते हुए देखा होगा, फिर और क्या हमारे गेम में लेके इसको चिपका दिया। गाइस ये बंडल इसलिए रेयर है क्योंकि इसको किसी ने खरीदा ही नहीं, मतलब कि बहुत ही कम बंदों के पास आप लोग को ये भारी भरकम बंडल देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग के पास ये वाला बंडल है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो गाइस, जब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रेयर आइटम के बारे में, जो कि होने वाला है हमारे फ्री फायर का फर्स्ट फ्लेमिंग फिश। अब तक न जाने कितने फिश के स्किन आए होंगे, पर गाइस ये फिश का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस इसके टेक्सचर बाकी से बहुत ही अलग है, मतलब एकदम फायरी टाइप। एंड ये मेरा पर्सनल फेवरेट फिश भी है, और ये फिश का स्किन बहुत ही रेयर हो चुका है, क्योंकि आप लोग को बहुत ही कम बंदों के पास ये देखने को मिलेगा। मतलब बाकी फिश का स्किन तो बहुत सारे बंदे के पास होगा, पर ये वाला फिश का स्किन कुछ यूट्यूबर एंड लकी प्लेयर के पास ही है। एंड ये वाला फिश का स्किन हम लोग को 6-7 महीने पहले एक इवेंट में देखने को मिला था, एंड वो इवेंट का नाम था लकी 7, जो कि हमारे फ्री फायर में सबसे डायमंड लूटने वाला इवेंट है। एंड मैंने भी उस टाइम आंख बंद करके पैसा डाला था, पर गेस व्हाट, तुम्हारे भाई को सिर्फ 500 डायमंड में मिल गया था। तो क्या आप लोग के पास ये वाला फिश का स्किन है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलो गाइस, जब हम बात करते हैं हमारे थर्ड रेयर आइटम के बारे में, जो कि होने वाला है हमारे फ्री फायर का सबसे पुराना गोल्डन कलर M60। एंड गाइस ये वाला स्किन हमको डेथ अपराइजिंग मोड के इवेंट कंप्लीट करने पे मिला था। तो गाइस आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना रेयर स्किन होगा, क्योंकि जब डेथ अपराइजिंग मोड गेम में आया था ना, तो बहुत ही कम बंदे गेम को खेला करते थे, और उस टाइम हमको ज्यादातर नॉलेज नहीं होता था कि ये सब इवेंट में हम लोग को क्या कुछ मिल सकता है, इसीलिए ये वाला M60 का स्किन बहुत ही कम बंदों के पास है। एंड ये वाला स्किन आप लोग को अभी तो नॉर्मल लगेगा, पर गाइस उस टाइम ये वाली स्किन एकदम नेक्स्ट लेवल चलती थी, क्योंकि इसका एट्रीब्यूट बाकी गनों से एकदम अलग था। जैसे कि हम लोग को 50% टू 60% एडिशनल रेट ऑफ फायर मिलता था, पर अभी के टाइम में गरेना ने इसको तो पूरा बिगाड़ ही दिया। मतलब यार जिस गन में हम लोग को 50% एडिशनल रेट ऑफ फायर मिलता था, वो गन का एट्रीब्यूट अभी इन लोगों ने डबल रेंज कर दिया। सो गाइस आप लोग के पास ये वाली M60 का स्किन है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस चलिए चलते हैं हमारे दूसरे रेयर आइटम की तरफ, और एकदम टिकटॉक वाली ट्रांजिशन के साथ हमारी सेकंड रेयर आइटम होने वाला है विंटरलैंड स्कार। तो अभी आप लोग मेरे को बोलोगे कि भाई हमने टाइटन स्कार, इबो स्कार के बारे में तो सुना है, पर विंटरलैंड स्कार ये कब आया? तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं कि फ्री फायर में जब पहली बार विंटरलैंड इवेंट आया था, तभी हम लोग को यंपोरियन स्कार का स्किन पहली बार गेम में देखने को मिला था। एंड अगर आप लोग ओल्ड प्लेयर हो तो आप लोग के पास ये वाली स्किन हो सकता है, क्योंकि उस टाइम हमको रैंक टोकन से रिडीम करने के बाद ये वाली स्किन फ्री में मिलता था। पर हाँ अभी के टाइम में आप लोग ये वाले आइटम को भी रेयर बोल सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे न्यू प्लेयर हमारे गेम में जुड़ चुके हैं, जिनके पास डेफिनेटली ये वाली स्किन तो नहीं होगा, क्योंकि भाई देखो ये फ्री फायर के पुराने यादें हैं जो सिर्फ ओल्ड प्लेयर के पास ही देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ये वाली स्किन तो हम लोग को नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम का गन स्किन है जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट देखने को नहीं मिलेगा। पर गाइस एक दो वर्ष पहले ये वाली स्किन किसी के हाथ में देखते थे ना, तब आप लोग समझ जाते थे कि वो हीरोइक प्लेयर है, क्योंकि देखो जो हीरोइक जाता था ना उसको बहुत सारे रैंक टोकन मिलते थे, तो ऑब्वियसली वो ये सब आइटम रिडीम कर सकता था। तो गाइस अगर आप लोग के पास ये वाली विंटरलैंड स्कार है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो चलो गाइस मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ फर्स्ट रेयर आइटम, जो कि हमारे इंडियन सर्वर में बहुत ही रेयर है, इतना रेयर कि मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं होगा ये। एंड ये वाली रेयर आइटम है M1014 की स्किन। जी हाँ गाइस, जो स्किन मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ ना, वो हमारे पूरे फ्री फायर सर्वर में बहुत ही रेयर है, और अगर देखा जाए तो ये हमको फ्री फायर के सेकंड एनिवर्सरी में मिला था। पर गाइस उस टाइम बंदों ने ये वाली स्किन को रिडीम ना करके UMP का स्किन रिडीम कर लिया था, क्योंकि गाइस उस टाइम हमारे फ्री फायर गेम में M1887 सड़कन नया नया आया था, जिसने गाइस ये वाली सड़कन का पूरा भरोसा ही उड़ा दिया। एंड उसके बाद और क्या, बंदे लोग इसको हेट करने लगे, इसलिए बाकी बंदे ने ये वाली स्किन को रिडीम ना करके UMP स्किन को रिडीम कर लिया। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि ये वाली शॉटगन M1887 जैसा ही है, क्योंकि आप लोग खुद देख सकते हो ये वाली स्किन में सिंगल डैमेज एंड डबल रिलोड स्पीड देखने को मिलेगा, जो बना देता है M1014 को M1887। मतलब कि आप लोग को M1014 में सबसे घटिया बात क्या लगता है, उसका स्लो रिलोड स्पीड, पर ये वाली स्किन में आप लोग को डबल रिलोड स्पीड देखने को मिलेगा, मतलब 2 times फास्टर रिलोड स्पीड देन नॉर्मल, जो बना देता है ये वाली शॉटगन को एकदम शॉर्ट रेंज बीस्ट, इसलिए ये वाली शॉटगन का स्किन नंबर 1 पे है। आप लोग के पास ये वाली स्किन है कमेंट करके जरूर बताना।